थैंक यू आप सबके प्यार। आइए खालिद जी, लुक कैमरा मैम यहाँ फोटो ले लो इनके साथ, हमारे सेलिब्रिटी के साथ। अभी लगाया थैंक यू सो मच Did we get? Thank you. Come Rayo. Good. Thank you. यहाँ पे भी सबको सामने मीडिया में बोलना पड़ेगा। Thank you. मान्या जी यहाँ इन्फेक्शन ऑल्सो ना रेहान यस कम Done? Thank you. Yash, ma'am, this side. Yeah. Look camera. One follow, ma'am. One follow. Ready? Rolling. क्या कहना चाहोगे ग्लैम ऑन 2023 support edition and you're also part of this. Yes. Tell us something about your look as well as how was your experience. I think Parimal has decided for me to have that look. I'm super excited and it was my first calendar, so thank you for this opportunity. I think ये मेरी लाइफ का फर्स्ट कैलेंडर है, तो pretty excited to see myself over there and I'm hoping कि future में भी हम हमेशा ऐसे ही हमारी फ्रेंडशिप हो, हमारा काम साथ साथ चलते रहे। Oh yes. क्या कहना चाहोगे? मैंने फाइनल अभी तक नहीं देखा है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अब मैं कहाँ देखूंगी ये बताएंगे मुझे। बट ये आइकॉनिक लुक है बिकॉज व्हेन ही टोल्ड मी दैट यू हैव टू बी काजोल, तो मेरा एक्चुअल नाम ही काजल है, तो एंड आई वाज नॉट नोइंग दैट ऑब्वियसली, एंड बचपन से मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ DDLG की, तो जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे सेकंड थॉट नहीं देना पड़ा एंड ही हैज बीन रियली नाइस टू मी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, सो आई वाज लाइक लेट्स डू इट। मान्या साथियों में भी जानना चाहेंगे कि बिग बॉस करना फॉलो करेगा? ऑनेस्टली अभी बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आप सब लोग अभी मुझे रेगुलरली कहीं ना कहीं देख रहे हो तो मौका नहीं मिलता, बट आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड फ्रॉम इंस्टाग्राम, तो थोड़ा बहुत जितने भी लोग अंदर बचे हैं मैं उनको कम्प्लीटली सपोर्ट कर रही हूँ, और मेरा प्यार हम सारे इंक्लूडिंग मी 16 के 16 लोगों के लिए है, क्योंकि एक की जीत हम सबकी जीत होगी, सो आई एम होपिंग कि जो भी डिजर्विंग हो उसको ट्रॉफी मिले। ऑल्सो दिस इज वेरी सरप्राइजिंग दैट हम कैरेक्टर ढूंढ रहे थे दिल वाले दुल्हनिया के लिए, मतलब काजोल का लुक वॉज वेरी प्रोमिनेंट। इस साल हम कैलेंडर में हर साल हम मॉडल्स को लेते हैं, एक्टर्स को लेते हैं, वी जस्ट पुट इट अक्रॉस, बट इस बार एवरीथिंग वॉज कैरेक्टर ड्रिवन, सो वी वर स्कैनिंग अ लॉट ऑफ पीपल एंड ऑल ऑफ सडन आई हैपेंड टू कॉल हर अप, आई हैड अ नंबर, सो मैं बोला यार चांस ले लेते हैं बिकॉज अभी बिग बॉस से बाहर आई है, पता नहीं करेगी नहीं करेगी, एंड आई कॉल्ड हर अप एंड शी वाज अ स्वीट पर्सन, शी सेड ओके मेरा क्या रोल रहेगा मुझे बताओ कब शूट करना है, एंड देन इन 1 hour.60 minutes दिस गर्ल प्रिटीली मैसेजेस मी बैक दैट यस आई एम इन फॉर द कैलेंडर, एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी बिकॉज टू कम्पीट एंड टू मीट अप टू द लेवल ऑफ विशाल आई वांटेड समबडी टू बी देयर एंड शी मेड इट देयर, एंड आई वाज सो हैप्पी कि ओके आफ्टर इमीडिएटली वॉकिंग आउट ऑफ आफ्टर बिग बॉस she was there in my calendar and it was the first venture we ever did, though we were knowing each other, but trust me it was a great time to be with her and do the complete calendar. Actually mere liye bhi it's like a dream come true and I was scared that day when she came to the shoot also, because that day was a very heavy day for us for the calendar shoot and we were pressed on time, we had a lot of things, we had to do 2 looks with her, but she was very sweet to handle. But इन्होंने मुझे पराठे खिलाए so I think वो equal balance हो जाता है। मान्या कहीं ना कहीं बिग बॉस में आपकी किस्सा था सारी, अब ऐसे लास्ट की 2 वीक रह चुके हैं, क्या लगता है कि कौन डिजर्विंग है क्योंकि ट्रॉफी किसी एक को ही मिलेगी? मुझे ऐसा लगता है कि वो घर में जितने भी 16 लोग थे ना इंक्लूडिंग मी, आई थिंक हम सब ही विनर हैं, बिकॉज हम एक अपना एक सिंगल इंडिविजुअल बैटल लड़ के उस घर में जाते हैं और वहाँ अलग तरीके का गेम होता है। तो वहाँ जो अभी बचे हैं वो लोगों के प्यार के वजह से बचे हैं और जो भी जीते इट विल बी लाइक एन ऑनर फॉर एवरी वन ऑफ अस, क्योंकि आई नो कि जो वहाँ पे है वो डिजर्विंग है। कुछ कंटेस्टेंट्स के थ्रू ऐसे भी पता चला है कि हमें लास्ट टॉप 3, टॉप 5 में होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जगह किसी और को दिया गया है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कुछ होता है बिग बॉस में? मुझे इसका कुछ भी आइडिया नहीं है। इवन तो मुझे अंदर जाने से पहले मैंने कोई एपिसोड नहीं देखा था, तो मुझे बिग बॉस का भी आइडिया नहीं था। बट मेरा मेन मोटो एक ही था कि मुझे, क्योंकि मेरी एज 21 है, मेरा फोकस था कि मैं एज मच एज आई कैन अर्न फॉर माई पेरेंट्स, जितना पैसा कमा सकूं। तो मुझे ये ट्रिक्स नहीं पता कि किसको आगे लेके जा रहे हैं, किसको पीछे लेके जा रहे हैं। बट जो भी आगे जा रहे हैं, आई थिंक उन्होंने एक अपना ही बैटल वहाँ गेम खेला है, दिमाग से रहे हैं, तो सभी डिजर्व करते हैं यार, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। वेल, एक सरप्राइज तो आपने दे ही दिया है कैलेंडर, बट और भी कौन से सरप्राइजेस आपके और भी रहेंगे? कुछ ये अनएक्सपेक्टेड था, तो लाइफ में जो भी होगा वो अनएक्सपेक्टेड ही होगा। एंड आई थिंक व्हेन यू आर हम्बल एंड काइंड विथ पीपल, खुद से, आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे, तो कहीं ना कहीं परिमल जैसे लोग आते हैं और आपकी लाइफ में एक स्पार्क दी जाते हैं। सो एवरीथिंग विल बी अनएक्सपेक्टेड, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो भी अपनी लाइफ में करूं, आप सभी को कहीं ना कहीं एक स्टोरी दूं कि ये जो देख रहे हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिले और अपनी लाइफ में सपने देखने की हिम्मत रख सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छे से लेना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप सबके प्यार। आइए खालिद जी, लुक कैमरा मैन, यहाँ फोटो ले लो इनके साथ, हमारे सेलिब्रिटी के साथ। अरे भाई सर, अभी लगाया लाइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Did we get? Thank you. Thank you. Come, Rayo. Done. Thank you. यहाँ पे भी सबको सामने मीडिया में बोलना पड़ेगा। Hello, brother. Right out of right audition. मनोज. हमारे किंचो. हाँ. So good to see you again. औरा पची पाचा महीना चला. हाँ, all this family. बेटा, मैम आ जाओ, एक मिनट सेल्फी ले लो। थैंक यू, थैंक यू। एक कैमरा दे दो, आप सेल्फी ले लो, या सेल्फी ले लो फटाफट।